हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन और फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई टेक नॉलेज पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप बीए बीएड बीएससी बीएड फोर ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की आप किस तरीके से काउंसलिंग करवा सकते हो। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना होगा। तो दोस्तों चलते हैं और बताते हैं आपको कि किस तरीके से आप अपने बीए बीएड फोर ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की काउंसलिंग करवा सकते हो। तो दोस्त पहली बार अगर कोई दोस्त अपने चैनल पर नया आया है तो अपने चैनल के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में बेल आइकन है उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि दोस्तों आपको मिलती रहेगी इस प्रकार के आने वाले वीडियो की सबसे पहले जानकारी। तो दोस्तों देरी ना करें और नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दीजिए। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हो और हमारे इस वीडियो के लिए यार एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। तो दोस्त अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है अपने वीडियो को तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको, जैसा कि दोस्तों आपको बीए बीएड और बीएससी बीएड फोर ईयर इंटीग्रेटेड 10+2 वाले का रिजल्ट आ गया है तो आप किस तरीके से रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही रिजल्ट का ऑप्शन खुलता है तो आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पे ऑप्शन आ रहा है रिजल्ट इंटीग्रेटेड 2020, तो इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। जैसा कि कोई भी मैं रोल नंबर डाल देता हूँ उसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग आईडी आ जाएगी। तो आपको ये काउंसलिंग आईडी आपको नोट करके रखनी है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो ध्यान से अपने इस वीडियो को देखो और अपने वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पे काउंसलिंग आईडी है ये आपको नोट करके रखनी है। जैसे ही साइट पे काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है और काउंसलिंग का लिंक आ जाता है तो आप अपने हमारे साथ बने रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप को ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी जो ये विजिट करना होगा, यहाँ पे PTET DCB 2020.com इसको विजिट करना होगा और इस पे आप जब आओगे तो यहाँ पे काउंसलिंग का लिंक आ जाएगा। तो आपको वहाँ पे जाके अपना ये काउंसलिंग आईडी, जैसे आप काउंसलिंग आईडी डालोगे तो आपके सामने एक पिन जनरेट हो जाएगा। पिन जनरेट होने के बाद में दोस्तों आपको वो पासवर्ड अपने मोबाइल पे आता है उसको डालना होगा और 5000 रुपीज का आपको जो पेमेंट है वो करना होगा। जैसे आपका नंबर आ जाता है तो आपको बाद में 22000 रुपये जमा कराने होंगे। अगर आपका नंबर नहीं आता है तो आपको 48000 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर कोई दोस्त पहली बार अपने चैनल पर नया आया है तो अपने वीडियो को और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।